So by the time in the chapter motion, we have discussed about the definition of motion. We have discussed about the distance and the displacement. दोनों के बीच में differences हमने tabular form में समझ ली है. Then we started talking about the uniform and non-uniform type of motion. Uniform motion वो motion जो कि एक जब equal distances are covered in equal intervals of time. इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. फिर हम बात करने लग गए किसकी, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ मोशन. रेट ऑफ मोशन में स्पीड की बात आई, हमने कहा कि जी स्पीड जो होती है वो एक डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इन दैट पर्टिकुलर मोशन. तो हमने स्पीड के साथ में एक और टर्म यूज किया वेलोसिटी. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज वाज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं. एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन लिखते हैं, जबकि वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली एक कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही हो तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस v अपॉन 2, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड अपॉन 2. हम कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ मोशन इन व्हिच वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट रेट, देन द एवरेज वेलोसिटी of the object is always equal to the arithmetic mean of the initial and final velocities. तो average velocity के लिए हमने एक formula रखा था, क्या formula रखा था average velocity के लिए? Average velocity के लिए हमने कहा था v plus u upon 2. अब हम कल एक with the example, हमने एक example लिया, हमने रेट ऑफ मोशन पढ़ते पढ़ते वेलोसिटी की बात तो कर ली और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 कर लिया. u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी. हम एग्जांपल लेने के लिए वहीं गए सर्कुलर मोशन में जो हमने डे बिफोर सीखा था, जिसमें हमने एक सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेज एंड डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर पाथ चेक किए थे. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझते हैं कि डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी पोजीशन गया तो दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड, वी कॉल दिस ब्लू लाइन एज ब्लू पाथ एज डिस्टेंस, और दिस ग्रीन लाइन स्ट्रेट लाइन बिटवीन ए टू बी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब हमको फर्क पता चल गया तो इसी हिसाब से हमको स्पीड और वेलोसिटी में फर्क भी पता चलेगा. यानी स्पीड निकालनी है तो ये 2πr/4 हाँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन दिस, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ए टू बी ये चेक करें 19.79 मीटर यहां पे था, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. तो ये जो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी आ गई मतलब ऑब्जेक्ट आ गया तो वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है. ठीक है, ये कंसेप्ट हमको वेलोसिटी का जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारा इधर उधर चक्कर लगा करके अल्टीमेटली इनिशियल पोजीशन पर पहुंचता है तो फिर इनिशियल पोजीशन पर आने पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. तो वेलोसिटी के साथ भी स्पीड का भी वही रिलेशन है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन था. यानी जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती. याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट मूव किया है तो हाँ उसकी स्पीड जो है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम उसकी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हैं. लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो आल्सो,
अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो भी जीरो होगा। हाँ, अगर हम वेलोसिटी को कहते हैं स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, और अगर वो रुक गया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, रुके हुए ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की वेलोसिटी या स्पीड दोनों जीरो होती है। आपने अपनी बुक पढ़ना शुरू कर दिया होगा और आपकी बुक में जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हुई हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं, फिर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वेश्चन को बोलते हैं जो आपकी बुक में ब्लू कलर से लिखे हुए होते हैं। एनसीईआरटी में ये ब्लू कलर से लिखे हुए क्वेश्चन को इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और ये जो एग्जाम्पल आपको ऊपर दिख रहा था ये सॉल्व एग्जाम्पल कहलाता है। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सॉल्यूशन भी हो। तो हम देखते हैं कि इसको अपनी शीट पर ले चलते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल को, वहां पे से सॉल्व करेंगे अपने तरीके से और फिर एनसीईआरटी में आप देख लेना। देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, डायरेक्शन कहीं नहीं लिखा हुआ है, इस तरफ उस तरफ वापस आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस गिवन। याद रखो बच्चों, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, इस तरह का सिचुएशन जो होता है इसको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, जिसमें हमको कुछ कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक्स के जैसे, तो इसे देख के डरना नहीं है। जिन लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती उनको भी डरना नहीं है। आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है, और स्टेप बाय स्टेप आप जब किसी बिल्डिंग पे चढ़ते हो, पहले पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर सो ऑन। अगर आप डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे पैर रखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है डिसबैलेंस हो जाओ और गिर जाओ। अगर आप वैसी वाली स्टेयर की बात करोगे जो हमारी एक वुडन स्टेयर होती है इस तरह की, सोचो आप यहां 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 करके चढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप चढ़ भी जाओगे दोनों तरफ से पकड़ के, और चढ़ रहे हैं आराम से चढ़ जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो एक एक छोड़ के चढ़ूंगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका पैर फिसले और आप गिर पड़ो। समझ रहे हो बात? न्यूमेरिकल भी इसी तरह की एक बिल्डिंग है जिसकी छत पे जाना है हमको, वही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तक जाने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप कोई सा भी स्टेप मिस कर देते हो या कोई सा भी स्टेप आप गलत रख देते हो तो वो गलती आपके लिए भारी पड़ेगी, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल गलत ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टेप्स रिकॉग्नाइज करने हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन में हमको जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो पहले लिख लेना है। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम बोलते हैं डी से डिनोट कर रहे हैं, समझो, है ना। एस भी लिखा हुआ होता है लेकिन एस एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे डी लिख लेते हैं। और एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड्स, तो मैं D1 लिख देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस दो जगह लिखा हुआ है। D1 16 मीटर है और D2 भी 16 मीटर है। हाँ, और टाइम टेकन इन फर्स्ट केस T1 इज 4 सेकंड और T2 इज 2 सेकंड, ये गिवन है।
तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पे है d1 plus d2 और टोटल टाइम टेकन इज t1 plus t2। d1 16 d2 भी 16 t1 is 4 and t2 is 2। 16 plus 16 32 4 plus 2 is 6। अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको 16/3 कर ले, नहीं तो डायरेक्ट 32/6 भी कर सकते हैं। और फिर क्या बनेगा, 3 5 15 1, तो 10, 3 3 9 5.33। क्या निकाला है आपने, आपने निकाला है एवरेज स्पीड, और स्पीड के लिए यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। हाँ देखो 5.33 मीटर पर सेकेंड लिखा है, मीटर पर सेकेंड मैंने कैसे लिखा था, एम अपॉन एस ऐसे लिखा था ना, इन्होंने कैसे लिखा है, एम एस माइनस वन। कोई गलती है क्या दोनों में से किसी में, नहीं दोनों एक ही बात है, क्यों, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर अपॉन सेकंड। हाँ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू वन अपॉन सेकंड। हाँ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर वन माना जाता है, m टू द पावर वन, s टू द पावर वन, और क्योंकि वन हम लिखते नहीं हैं तो m लिख देते हैं और s लिख देते हैं। लेकिन अगर s टू द पावर वन डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी तो ये m टू द पावर वन इंटू s टू द पावर माइनस वन हो जाएगी, समझे आप। तो इसको मीटर, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन तो लगाते नहीं है और पार वन प्लस वन भी नहीं लगाते हैं, इसलिए एम टू दावर एम इंटू एस टू दावर माइनस वन या मीटर पर सेकेंड एक ही बात है। तो आप यू भी लिख सकते हो और आप यू भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये कि हम न्यूमेरिकल करने लगे तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लिखें व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन लिखें, गिवन था यहां पे डिस्टेंस टाइम, दो बार टोटल डिस्टेंस लगा दिया। तो स्टेप वन जो है वो तो ये है, स्टेप टू है फॉर्मूला। जिस समय आप गिवन लिख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसकी यूनिट का ध्यान रखो। अगर ये मीटर के बजाय सेंटीमीटर में होता तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर ये सेकंड के बजाय मिनट में या आर में होता तो हमको उसको यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, अगर अगर समझो आपको किसी क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो उसको कितने सेकंड्स होंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। हाँ छोटी छोटी बातें हैं, अभी इनमें टाइम लगा लोगे और दिमाग लगा लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, इनको छोड़ करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे तो फंसोगे, जगह जगह गलती आएगी और लो कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो मिनट की जगह अगर मैं 60 लिख दूं तो 5 into 60 सेकंड हो जाएगा कि नहीं। हाँ 1 मिनट यानी मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, 5 into 60 सेकंड 300 सेकंड हो गया कि नहीं।
300 सेकेंड टाइम है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। हाँ, अगर इसकी जगह लिखा होता 1 आवर, टाइम इज गिवन 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 × 60 सेकेंड मिनट का ये मतलब है 3600 सेकेंड। हाँ, 1 आवर जो है दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, समझो हमको 3600 सेकेंड दिया हुआ है टाइम, उसको आर में कन्वर्ट करना है, तो अगर 3600 सेकेंड्स हैं तो उसमें कितने आर होंगे? हमारे दिमाग में ऐसे चलना चाहिए क्या कि अगर 3600 सेकेंड्स जो है उसमें आर पता करने हैं, तो 3600 कैसे आया है? 60 × 60 सेकेंड। हाँ, 60 सेकेंड इज 1 मिनट, ठीक है, 60 सेकेंड 1 आवर में है 60 मिनट, इसको हम 1 आवर बोल सकते हैं, इसको हम 1 मिनट बोल सकते हैं, तो ये 1 आवर हो गया। 3600 सेकेंड्स में 1 आवर होता है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाँ, 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकेंड लिख रहा हूँ, इसलिए मैं 60 × 60 किया, तो 3600 सेकेंड्स जो हैं दे आर इक्वल टू 1 आवर। ये बेसिक नॉलेज है, कभी कभी हम अटक जाते हैं जब हमको मिनट टू आवर कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड टू आवर तो सबको पता है, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स या 3600 सेकेंड्स इंटू 1 आवर। अगर 3600 के हाफ सेकेंड्स कर दें यानी उसका आधा कर दें 1800 सेकेंड्स, तो हम आवर को भी 1/2 यानी आधा घंटा बोलेंगे, हाफ एन आवर। लेकिन मिनट के साथ में क्या होता है, जैसे कि हमको दिया गया है 5 मिनट, अब इस 5 मिनट को आप आर में कन्वर्ट करो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना तो इजी है, हम कहते हैं 5 × 60, एवरी मिनट है 60 सेकंड, लेकिन इसी 5 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखते हैं कि ये बात पता है हमको 1 आवर में कितने सेकंड कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट। हाँ, तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर लें, आप लिखें कि भाई एक इक्वेशन बना लें कि 60 मिनट्स मेक 1 आवर, 60 मिनट्स जो होते हैं वो 1 घंटा बनाते हैं, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे? 1/60 आवर, ठीक है, तो 5 मिनट में कितने आवर होंगे? इन 5 मिनट्स द आर विल बी 1/60 × 5, हाँ, 1/12 आर, ऐसे ये हो जाता है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि कन्वर्जन किसी का भी किसी में हो सकता है, आर का मिनट में कन्वर्जन करना है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझो दिया हुआ 10 आवर्स, हाँ, तो हम लिखेंगे 1 आवर हैज कितना मिनट, 60 मिनट, तो 10 आवर में कितना होगा, 60 × 60 मिनट × 10, 600 मिनट। आवर को मिनट में कन्वर्जन इजी है, मिनट को आवर में प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से कर लें। हाँ, सेकेंड को आर में आती है तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, जैसे हमको दिया हुआ है, समझो हमको दिया हुआ है कि
20 सेकंड्स कितने आर के बराबर है? हाँ, 20 सेकंड को आर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो हम कहते हैं कि अच्छा, 1 hr = 3600 सेकंड। इसका मतलब हम इसको इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि 3600 सेकंड्स मेक 1 hr। तो जब 3600 सेकंड्स एक आर बनाते हैं तो एक सेकंड कितने आर बनाएगा? 1/3600। 3600। तो फिर 20 सेकंड्स में कितने आर होंगे? एक सेकंड में जितने होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 20। 1/3600 एक सेकंड में होते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी 1/180। ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि 20 सेकंड में 1/180 आर होते हैं। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। तो कन्वर्जन आना चाहिए। हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पहला स्टेप है व्हाट इज गिवन। गिवन लिखना है आपको। मैं जब भी आपको न्यूमेरिकल दूंगा आप गिवन लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले है। जब आप गिवन लिख चुकेंगे तो फिर ये भी चेक करेंगे कि यूनिट हमारी ठीक है कि नहीं है, हमने सही यूनिट लिखी, मतलब ऐसा यूनिट लिखा कि नहीं, या रेलेवेंट यूनिट लिखा कि नहीं। कभी कभी ऐसा यूनिट के बिना भी काम चलता है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी यूनिट कन्वर्जन के बिना भी काम चलता है। जरूरी नहीं हर बार यूनिट कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन ज्यादातर केसेस में यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइम यहाँ पे गिवन फिजिकल क्वांटिटीज थी। आपने पहले पहला काम गिवन करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हमको करना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया, फिर आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो गिवन, जो कि ऑलरेडी सही ऐसा यूनिट में लिखी हुई है, और उनको यहाँ पर लिख करके, और फिर आपका जो आंसर आए उसको भी सही यूनिट के साथ में अगर लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। बहुत आसान है। और देखते हैं अपनी बुक के एग्जांपल पहले देखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको एग्जांपल एक्चुअली है नहीं यहाँ तो। स्पीड विद डायरेक्शन की बात हुई है तो ये वाला तो चलो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे इंडेक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमें। देखो, एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी, एट अ टाइम व्हेन इट इज क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि, इसलिए इसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग, कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपेंस, मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, स्पीड ऑफ साउंड इज एयर इज 346 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है कि वो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये तो आप छोटी क्लासेस में भी समझते थे पढ़ते थे कि लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो एयर में भी उससे मामूली थोड़ा सा कम स्पीड से चलेगी, 2.99×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत तेज, लगभग 300,000 किलोमीटर एक सेकेंड में चलता है। और साउंड की स्पीड आप देख ही रहे हो एयर में 346 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में बड़ा फर्क है। एक तो एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चल रहा है, हाँ, और दूसरा 346 मीटर चल रहा है सिर्फ। तो ऑब्वियसली साउंड ट्रेवल्स मच स्लोअर एज कंपेयर टू लाइट, और जब वो लाइट के कंपैरिजन में स्लो चलता है तो ऑब्वियसली लाइटनिंग पहले हमको दिखाई दे जाएगी और साउंड थोड़ी देर में सुनाई देगा। अब इन्होंने हमको एक टास्क दे दिया, यानी आंसर मेजर दिस टाइम इंटरवल यूजिंग अ डिजिटल रिस्ट वॉच और अ स्टॉप वॉच। हाँ, टाइम इंटरवल क्या कि दोनों के बीच का गैप कितना है, कि आपको लाइट तो तुरंत दिखाई दी और कितनी देर में। अब समझो आपने रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, फिर ऑफ किया, हाँ,
और आपके पास 2 सेकंड का टाइम आया, 2 सेकंड का टाइम लगा, इसका मतलब 2 सेकंड में वो लाइट, वो साउंड आपके कानों तक पहुंचा है। ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइटनिंग, स्पीड दिया हुआ है, तो इसको हम क्वेश्चन की तरह से लेंगे, न्यूमेरिकल की तरह से लेंगे। हम लिखते हैं कि व्हाट इज गिवन इन दिस केस। हाँ, यहाँ पे गिवन है स्पीड, मैं स्पीड को वी ले लेता हूं, दैट इज 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि बताओ, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, यानी जहां पर लाइटनिंग हुई है क्लाउड में, आप जहां खड़े हो उससे उसका लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। वो कहते हैं डिस्टेंस बताओ जी क्या है। तो हमने कहा स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डी शुड बी इक्वल टू वी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, 346 इंटू 2, और डिस्टेंस क्या होगा, मीटर। हाँ, 692 मीटर पर, यानी वो क्लाउड आपसे आधे किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 500 मीटर पे हाफ किलोमीटर होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पे क्लाउड में लाइटनिंग हुई है। विद द हेल्प ऑफ स्टॉप क्लॉक आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द फन विद फिजिक्स, मजेदार बात है। इंडेक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हमसे। हाँ, दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली इन्वॉल्व जस्ट टू चेक वेदर यू आर गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट। तो हम देखें कि क्या है ये, कि नंबर वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस बताओ। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इज, स्पीड और वेलोसिटी की बात हो रही है ना, वैसे जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हुई थी। तो स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम, और वेलोसिटी जो है दैट इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन दोनों में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, जिनकी यूनिट मीटर है, और डिनोमिनेटर में दोनों के लिए टाइम होता है, तो टाइम का यूनिट सेकंड है, इसलिए इन दोनों का ही यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। फिर हम बात करते हैं कि स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ है तो स्पीड कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन है। और हम पहले बात कर चुके एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग डिस्टेंस कि डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम में जीरो हो नहीं सकता अगर मोशन हुआ है तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी जीरो वेर इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेम। अगर वो दोनों एक बराबर है तो फिर कुछ नहीं, फिर वो जीरो है, वो जीरो है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो वो भी जीरो है। हाँ, ये बात समझने की है। और आगे बात करें थोड़ी कि जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस को हमेशा उसी तरह से ध्यान रखें कि जो वेलोसिटी है उसमें हमको डायरेक्शन बताना पड़ता है स्पीड के साथ में, वैसे ही जैसे डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं कि डायरेक्शन बताना पड़ता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट की तरह से ही वेलोसिटी भी बिहेव करेगी। वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव हो सकता है, स्पीड ना तो नेगेटिव हो सकती है ना तो जीरो हो सकती है, स्पीड का कोई ना कोई वैल्यू जरूर रहेगा। तो स्पीड और वेलोसिटी को वैसे ही कंपेयर किया जाता है जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किया जाता है। फिर देखें कि अंडर व्हाट कंडीशंस
इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। स्पीड को हम कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड। अगर स्पीड जो है, स्पीड को मैं वी लिखूंगा और वेलोसिटी को मैं वी वेक्टर लिखूंगा, तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है और वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वी यानी स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी किस कंडीशन में होगा, जब d इक्वल टू s होगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो कब होगा, जब लीनियर मोशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगी विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन। जब d और s बराबर होगा एक ही कंडीशन में होता है, तो v और v यानी v वेक्टर स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकती है, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकती, ये अलग अलग ही रहेगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। What does the odometer of an automobile measure? Odometer जो होता है बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कल भी हम कह रहे थे odometer क्या मेजर करता है, odometer मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 गोल, कोई व्हीकल गोल 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 एक ही जगह पर घूमता रहेगा, तो भी उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो odometer शो करता रहेगा। चाहे वो स्टैचू सर्कल के चारों तरफ रात भर चक्कर मारे और वो कहीं नहीं गया, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो भी कितना उसका व्हील घुमा है उस हिसाब से ओडोमीटर अपनी रीडिंग शो करेगा। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, देखो यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल्स, अगर इक्वल डिस्टेंसेस 10 10 मीटर, जैसा हमने अपने एग्जांपल में देखा था इन गिवन टाइम 1 मीटर है, तो 1 सेकेंड है, तो 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, ये स्पीड होगी। हाँ, तो अब हम कहते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम रेशियो है। हाँ, क्वेश्चन है व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगी, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो पाथ जो है वो लीनियर पाथ होगा। इसमें ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। हाँ, तो लीनियर पाथ वुड बी योर आंसर। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. Numerical. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 to 10 to the power 8 meter per second. देखो, numerical है, तो numerical में आप सबसे पहले तो given लिखोगे, हाँ? What is given? सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, टाइम गिवन है, 5 मिनट में सिग्नल आ गया। 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 5 into 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसकी जगह 60 सेकेंड लिख दें, तो ये आपका 300 सेकेंड हो गया। स्पीड दिया हुआ है लाइट का 3 into 10 to the power 8 meter per second। तो स्पीड का फॉर्मूला वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है ऑफ द स्पेसशिप, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है। हाँ, मैं डिस्टेंस को डी लिख रहा हूं, कभी कभी एस भी लिखा जाता है, लेकिन हमने कहा कि हम एस केवल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे, इसलिए डिस्टेंस जहां जहां पूछा जाएगा वहां डी लिख लेंगे। तो v इक्वल टू यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम
तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम करना है यानी डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड क्या है 3 × 10⁸ और टाइम कितना है 300 सेकेंड। 300 को 3 × 10⁻² लिख देता हूँ, इसको 3 × 10⁸ लिखा रहने देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 के अगर एक जगह पावर 8 है, एक की जगह 2 है, और 10 × 10⁸ × 10⁸ हमने करना है, तो इनकी पावर जो है 8 और 2 वो आपस में मिल जाएंगी, है ना, ऐड हो जाएंगी। 3 × 3 9 × 10⁸ + 2 10। इतना मीटर दूर है वो स्पेस स्टेशन जो कि 5 मिनट लगाता है किसी सिग्नल को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलने के बावजूद। बहुत तेज स्पीड है ना, 3,00,000 किलोमीटर उस स्पेस शिप से या स्पेस स्टेशन से जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रही है वहाँ से एक सिग्नल भेजा उन्होंने, और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते चलते भी, 3,00,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलते चलते भी अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा, 3,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते चलते भी 5 मिनट लगाने के बाद हमारे पास आया। हाँ, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 3,00,000 किलोमीटर पर आर के बराबर, मतलब 3,00,000 मीटर पर सेकंड के बराबर नंबर है। इतना बड़ा नंबर जो है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर चलती है लाइट, इतनी स्पीड से चलते हुए भी 5 मिनट लग गए, यानी 300 सेकंड लग गए, मतलब बहुत दूर है। कितना दूर है आपने कैलकुलेट करके बताया, 9 × 10⁻¹ मीटर। 10⁻¹ का मतलब समझते हो, एक के आगे 10 जीरो लगा दो, 9 × 10⁻¹ मतलब एक के आगे 10 जीरो लगा दो और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 के आगे 10 जीरो लगा दें, इतना मीटर दूर है वो स्पेस स्टेशन जहां से सिग्नल आया है। इस तरह से न्यूमेरिकल किया जाता है। हमको एक सॉल्ड एग्जांपल दे रखा है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2,000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2,400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप took 8 hours, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकंड। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, हमको गिवन क्या है ये देखना है। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2,000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। आपकी कार का ओडोमीटर जब आपने स्टार्ट किया तो 2000 किलोमीटर था और जब ट्रिप खत्म हुई तो 2,400 मीटर था, तो 2,400 माइनस 2,000 किलोमीटर इज 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको हम आपकी बुक में S लिखा रहता है, हम D लिख रहे हैं क्योंकि S हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे, लेकिन आपकी बुक जो है S ही लिख देती है उसको, तो ये बात का ध्यान रखना, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर इफ द ट्रिप took 8 hours, टाइम इज ऑल्सो गिवन 8 hours, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी कितनी वैल्यू होगी। हाँ, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। तो 400 किलोमीटर इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन 8 hours इज टोटल टाइम टेकन। यूनिट आ गई किलोमीटर पर आवर और 400 अपॉन 8 इज 50, तो एवरेज स्पीड वुड बी 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अब वो कहते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो दो तरीके हैं। हाँ, मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड जब किलोमीटर पर आर में निकालते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं 400 अपॉन 8
50 किलोमीटर पर आवर मैंने निकाल दिया। तो मुझे गिवन था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको आपकी बुक में एस से डिनोट किया गया है, इस 400 किलोमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करेंगे? 400 किलो इज 1000, तो इनटू 1000 मीटर, है ना, किलो को हटा के उसकी जगह हमने रख दिया 1000, 400 किलोमीटर, किलो इज 1000, हमेशा याद रखना। तो 400, ये 3 0 भी इसके आगे लगा दें, 400,000 मीटर्स। ठीक तरीके देख रहे हैं हम, ऐसे करना है जरूरी नहीं है। और टाइम कितना? टाइम 8 आर। 8 आर में कितना सेकंड? 8 × 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 008 2880 सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में वैल्यू कैसे आएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 400 5 बार 0 अपॉन 2880। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 2000, ये हो गया 144, ये हो गया 1000, फिर ये हो गया 72, फिर ये हो गया 500, ये हो गया 36, फिर ये हो गया 250, फिर ये हो गया 18, फिर ये हो गया कितना हो गया 125, फिर ये हो गया 9। अब 125 अपॉन 9 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, 9 × 9 3 35 27 फिर 13.88 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। अब हमें ये काम बड़ा टीडियस लगा कि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा काम करना बड़ा मुश्किल है, ये आसान था। 400 किलोमीटर अपॉन 8 लिखा, 400 अपॉन 8 सीधे हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आ। तो हमारे पास एक शॉर्टकट होना चाहिए कि हम यहाँ पे ये इतना लंबा जो हमने किया है ये सब ना करना पड़े, ये ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमने कुछ नहीं करना, सिंपल ये देखना है कि किलोमीटर पर आर जो यूनिट है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। वी विल टेक अ कन्वर्जन फैक्टर सो दैट किलोमीटर पर आर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। यानी वैल्यू हमारा अगर किलोमीटर पर आर है तो हम उसको 1 मिनट में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस शॉर्टकट। किलोमीटर पर आर मतलब किलोमीटर अपॉन आर। इसमें कितना मीटर पर सेकंड होगा? किलो की जगह पे हम 1000 लेते हैं, 1000 मीटर, आर की जगह 3600 सेकंड लेते हैं, 1 आर इक्वल टू इतना सेकंड होता है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5/18। तो वी कैन से दैट 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, 5/18 इज द कन्वर्जन फैक्टर व्हेन यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आर, अभी आपने कैलकुलेशन किया है 50 किलोमीटर पर आर,
तो 50 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हमको इतना लंबा सारा ये करना पड़ा, बजाय इसके हम क्या करें 50 किलोमीटर पर आर में किलोमीटर पर आर की जगह ये लिख दें, मतलब 50 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो 25/9 और जो आंसर यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी तो 125/9 आया था जिसको हमने कैलकुलेट किया 13.88। दिस इज हाउ व्हेन यू हैव वैल्यू ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर यू डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड By using a conversion factor 5/18। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो, हाँ, जैसे 25 मीटर पर सेकेंड इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली इस कन्वर्जन फैक्टर को उल्टा कर दो। किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर आर आ जाएगा, मतलब 25 × 18/5 दैट इज 18 × 5 90 किलोमीटर पर आर। ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे, अगर हमको 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हम लिखेंगे 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट इज 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड, जो पहले था वही आ गया, इजी है। तो इन सॉल्व एग्जांपल को सबसे पहले अपने आप पेपर पेन लेकर के सॉल्यूशन पे हाथ रख के सॉल्व करो। पहला तरीका यही है, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में जो गिवन वैल्यूज हैं वो ऐड करो। गिवन लिखते समय ध्यान रखो कि यूनिट सारी की सारी सेम होना चाहिए, अगर सब ऐसा ही यूनिट में है तो ऐसा ही यूनिट में होना चाहिए, सब सीजीएस में है तो सब सीजीएस में होना चाहिए, जिस जो यूनिट सिस्टम आप यूज कर रहे हो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज शुड फॉलो दैट सिस्टम ओनली, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू।